मैं हूं अभिषेक बारेठ और आप देख रहे हैं धमचिक। आज जब आपने पूरे दिन भर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरत की चीज़ों को गूगल पर सर्च किया होगा तो आपकी नज़र गूगल के डूडल पर ज़रूर गई होगी। गूगल के डूडल में लगी फ़ोटो ने ज़रूर आपका ध्यान खींचा होगा। डूडल की इमेज में एक व्यक्ति ने अपने हाथ में एक मगरमच्छ को लिया हुआ है और वो मगरमच्छ गूगल के अल्फ़ाबेट एल को अपने मुँह में पकड़े हुए नज़र आ रहा है। आपको अगर पता नहीं है तो हम आपको आज गूगल के डूडल वाले इस इमेज के बारे में बता देते हैं। दरअसल गूगल ने अपना डूडल क्रोकोडाइल हंटर के नाम से मशहूर स्टीव इरविन को समर्पित किया है। स्टीव इरविन का जन्म 22 फरवरी सन 1962 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। स्टीव पशु पक्षियों को बेहद प्यार करते थे और साथ ही साथ टीवी पर्सनैलिटी भी थे। मगरमच्छों से उनको खास प्यार था और इसी प्यार की वजह से आगे चलकर उनका नाम क्रोकोडाइल हंटर पड़ा। क्रोकोडाइल हंटर के नाम से उनका एक टीवी शो भी टेलीकास्ट होता था जो बहुत पॉपुलर हुआ। शो में स्टीव मगरमच्छों को पकड़ने के साथ उनके साथ खेलते हुए नजर आते थे। उन्हें मगरमच्छों के साथ सांपों से भी बेहद लगाव था। स्टीव इरविन की मौत भी उनके एक शो की शूटिंग के दौरान ही साल 2006 में हुई थी। स्टीव अपनी एक डॉक्यूमेंट्री को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में शूट कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक स्टिंगरे मछली ने डंक मार दिया जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हुई। दिलचस्प बात यह है कि इरविन और उनकी मां का जन्म एक ही तारीख को हुआ था। उनके पिता का एक छोटा सा चिड़ियाघर था जहाँ रेप्टाइल्स खूब थे। सांप, मगरमच्छ, अजगर और भी कई जंगली जानवर उनके चिड़ियाघर में थे। उनकी माँ का नाम लिन इरविन और पिता का नाम था बॉब इरविन। इरविन के पिता वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे। उनकी माँ भी वाइल्ड एनिमल्स का रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का काम करती थी। आयरिश मूल के इरविन अपने माता पिता के साथ 1970 में ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य क्वींसलैंड में आकर बस गए और माता पिता का लगाव शुरू से ही जानवरों से था। तो वहाँ उनके माता पिता ने एक चिड़ियाघर खोला जिसका नाम उन्होंने बीरवा रेप्टाइल एंड फाउना पार्क रखा। उनके पिता ने उन्हें मगरमच्छों की देखभाल और उन्हें रेस्क्यू के लिए उनको पकड़ने के गुर सिखाए। उनके पापा ने उनके जन्मदिन पर उन्हें एक अजगर गिफ्ट में दिया था। स्टीव को अमेरिका की टेरी रेंज से प्यार हुआ और दोनों ने बाद में शादी की। टेरी और इरविन की मुलाकात सन 1991 में छुट्टियों के दौरान हुई थी। टेरी ऑस्ट्रेलिया में घूमने आई हुई थी और यहाँ उनकी मुलाकात ने प्यार की शक्ल इख्तियार कर ली। 4 जून 1992 को स्टीव और टेरी की शादी हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टीव किस कदर जानवरों से प्यार करते थे। स्टीव ने अपनी शादी की अंगूठी पहनने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उनको डर था कि उनकी अंगूठी पहनना उन जानवरों को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। इरविन को बहुत सारी आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। उन पर वन्य जीवों के शोषण के आरोप भी लगे। साल 2004 में एक हंगामा हुआ जब वो एक मगरमच्छ के साथ में खेल रहे थे तो एक हाथ में अपने बेटे को उन्होंने ले रखा था। कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जिनमें दिखाया गया था कि इरविन के बेटे रॉबर्ट की ओर मगरमच्छ खाने के अंदाज में झपट रहा है और आलोचना हुई कि स्टीव ने बच्चे की ज़िंदगी को खतरे में डाला। स्टीव इरविन ने बाद में इसको लेकर सफाई भी दी। यकीन नहीं होगा लेकिन क्रोकोडाइल हंटर को तोते से डर लगता था। एक बार उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्हें सिर्फ तोतों से डर लगता है। उन्होंने बताया था कि किसी वजह से एक बार तोते ने उनको काट लिया था। तोते ने उनकी नाक को काट लिया था और पूरी नाक को चबा गया था लगभग। उन्होंने बताया कि कई बार तोतों ने उनको काटा। 4 सितंबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया में पॉट डगलस के तट पर स्टीव इरविन जब नई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे वहीं स्टिंगरे प्रजाति की एक मछली के पास डाइविंग के दौरान मछली ने इरविन को डंक मार दिया था। उसका कांटा इरविन के सीने में चुभा और दिल नाकाम हो गया जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर दुनिया भर में शोक छा गया। उनके सम्मान में जानवरों की कई प्रजातियों का नाम रखा गया। उनकी याद में ही 15 नवंबर को स्टीव इरविन दिवस घोषित किया गया। तो आज के गूगल डूडल का मतलब हमने आपको समझाया। अगर आपको हमारी किस्से, कहानियाँ यह सब अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली खबर तक धमचेक मचाते रहिए।